हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरजास क्रिएशन। आज हम देखेंगे कैसे एक सिंपल कपड़े को पार्टी वियर ड्रेस बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस डिजाइनर कपड़े को बनाने के लिए चाहिए गोटा। ये किसी भी लेस शॉप पे आराम से मिल जाएगा। जरी का डोरी, ब्राउन सेलो टेप, फैब्रिक ग्लू, परमानेंट मार्कर, टेलर चौक और सीजर। सबसे पहले ब्राउन सेलो टेप पे हम इस गोटे को इस तरीके से अच्छी तरह चिपका लेंगे। जितना भी आपको वर्क के पीसेस चाहिए उतना आप गोटा चिपका लें। उसके बाद जहाँ पे आपने गोटा लगाया है उस पोर्शन को आप सेलो टेप के पैकेट से अलग कर लें, ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में और कटिंग करने में आराम रहे। परमानेंट मार्कर की हेल्प से हम इसमें कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे। वैसे कि बेसिकली गोटा पत्ती के वर्क में पत्तियों का पैटर्न बना होता है, पर आजकल नई नई डिज़ाइंस आ रही हैं, तो आप इसमें हार्ट शेप, डायमंड शेप, कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, जो कि आपके डिज़ाइन और आपके पैटर्न में सेट बैठती है। ये देखिए, हमने इसमें परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है, इसलिए हाथ लगाने से इसका पैटर्न निकल नहीं रहा है। अगर आप इस पर सिंपल पेन से बनाते हैं तो आपका पैटर्न मिट जाएगा और आपको कटिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कोशिश यही करें कि परमानेंट मार्कर यूज़ करें, ताकि डिज़ाइन ख़राब नहीं हो। अब सीजर की हेल्प से आप सारी डिज़ाइंस काट लेंगे। ये हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। आप किसी भी तरीके का कपड़ा ले सकते हैं जिसके कि आपको ड्रेस बनानी है। इसके ऊपर हमने टेलर चौक की हेल्प से एक डिज़ाइन बना लिया है। उसके ऊपर हमने एक फैब्रिक ग्लू लगाया है और जो हमारा जरी का धागा है या जरी की डोरी है उसको इस तरीके से इस पर चिपका लेंगे। इसको 2-4 मिनट सेट होने दें तो ये चिपक जाएगा। उसके बाद और भी जो आपको पैटर्न बनाने हैं उसके साथ उसको आप पैटर्न्स बना सकते हैं, और सेम उसी तरीके से आप जरी के धागे को चिपका लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम इस चैनल पे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो कि है पुराने कपड़ों को यूज़ कैसे करें, पुरानी टूटी फूटी ज्वेलरी से नई ज्वेलरी और स्टाइलिश ज्वेलरी कैसे बनाएं, पॉम्पॉम ज्वेलरी और टसल ज्वेलरी कैसे बनाएं, पुराने सामान से नया यूज़फुल सामान कैसे बनाएं, स्टाइलिश और नए पैटर्न के कपड़े कैसे बनाएं आसान तरीके से। अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह आपके बहुत काम का हो सकता है। इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको गोटा पत्ती की पत्तियाँ चिपकानी हैं जो कि आपने काट के बनाई हैं, उसको आप पहले फैब्रिक ग्लू लगा लें जगह जगह पे, और उसके बाद वहाँ पे हम गोटा पत्ती की पत्तियाँ चिपका लेंगे। और इसको अभी ये फिनिशिंग नहीं लग रही है क्योंकि अभी सारा ग्लू गीला है, तो इसको 4 से 6 घंटे इसको सूखने दें और फिर देखिएगा कितना सुंदर फैब्रिक तैयार होता है हमारी पार्टी वेयर ड्रेस के लिए। देखिए, पूरा ग्लू सूख जाने के बाद कितना सुंदर पैटर्न बन गया है। इसी तरीके से आप किसी भी पुरानी ड्रेस पे भी इसी तरीके से वर्क करके उसे एकदम नया लुक दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में लिख के बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बाय फॉर नाउ।